हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जुहू बीच। ये शिल्पा शेट्टी का घर और इधर अमिताभ बच्चन का घर, ये है तुम्हारा रोहित शेट्टी का घर। वैसे ही ट्रैफिक में रुके हैं। इतना कैसे जाएगा भाई, जहाँ अमिताभ बच्चन आते हैं खुद खाने। सीना में सीना हो गया। पटाखे जलाए जा रहे हैं। अक्षय कुमार एंड ऋतिक रोशन का घर। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। शॉर्टकट मारने के चक्कर में और ही चलता है हम लोग। जुहू सिल्वर बीच जा रहे हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं मुंबई में हूँ, तो डेकोरेशंस वगैरह कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अभी मेरे को घर नहीं मिला है और दिवाली के बाद वो फुली मिल जाए। एनीवेज अभी मैं एक हॉस्टल में रुका हुआ हूँ कुछ दिनों के लिए और यहाँ पे सारे मेरे फील्ड वाले ही रुके हुए हैं, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एंड ऑल सारे लोग। तो अभी जस्ट मैं उठा हुआ और अपने लिए एक लेमन टी बनाई है, तो मैं ये इंजॉय करता हूँ। उसके बाद देखते हैं, अगर मैं बाहर गया तो आपको डेकोरेशन वगैरह दिखाऊंगा। ये हॉस्टल मुझे पसंद आया यार, मैं तुमको यहाँ का इंटीरियर दिखाता हूँ लॉबी का। तो ये देखो वो किचन एरिया है और ये कॉमन एरिया है बैठने के लिए, इधर सिटिंग एरिया वगैरह है। तो थोड़े बहुत यहाँ पे लाइट्स वाइट्स लगा दिए हमने, थोड़ा अच्छा दिखे दिवाली में। इसलिए मुझे नहीं पता कि कुछ एक्साइटिंग होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो दिखाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम जब कर लेंगे तब डेकोरेट करेंगे, तब अच्छे से करेंगे। चलो तो गाइस हॉस्टल में थोड़ी लाइट वाइट लगाई जा रही है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इधर भी लगा हुआ है और इधर भी पूरा लग जाएगा। देखो गाइस लाइट्स लग गए, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो गाइस फाइनली अभी शाम हो चुकी है और हॉस्टल में बस एक दो लोग ही बचे हैं, तो हम लोग मिलके थोड़ा बाहर जाएंगे। तो चलो आज की दिवाली ऐसे ही मनने वाली है और तो कुछ बाहर कुछ डेकोरेशन से अगर बाहर जाएंगे तो वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या कैसे जाओ है। और चलो फिर निकलते हैं। तो गाइस हम तीन चार लोग ही बचे हैं अभी, तो हम तीन चार लोग ही हैं हॉस्टल में बचे हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हम तीन चार लोग थोड़ा सोचे कि बाहर निकलते हैं, तो अभी सब जगह कहीं पूजा हो रहा है, कहीं पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहो, चल के दिखाता हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। इसमें ट्रैफिक की दशा बोलोगे, दुर्दशा बोलोगे। तो गाइस मैं और प्रसन्न जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? सिल्वर बीच। जुहू सिल्वर बीच जा रहे हैं, चलो दिखाता हूँ क्या हो। लेकिन आज कि बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है एंड सारे लोग ऐसे ही, कुछ लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ लोग रोड के किनारे में पटाखे चला रहे हैं, बस खाली अपने ऑटो में ना फेंक रहे हुए। तेरी मैं हाय मैं तेरी अक्खा चिटुलता चावा। गाइस अभी हम ट्रैफिक में रुके हुए हैं और जैसे ही ट्रैफिक निकलता है देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। ऑलरेडी कितना बज रहा है जाएंगे सिल्वर बीच जुहू, वहाँ से इस्कॉन मंदिर दर्शन करेंगे, मुक्तेश्वर टेंपल है वो दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे का फूड सेट करेंगे। विच विल पॉसिबली बी स्ट्रीट फूड, विल बी की विल अपडेट यू। जैसे कि भाई ने बोला हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल एंड और भी कोई टेंपल है, तो चलो चल के देखते हैं ये कैसा वहाँ पे नजारा है। तो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मैं भी पहले कभी गया नहीं हूँ। शॉर्टकट मारने के चक्कर में वही चलता है हम लोग। उसका बिल्कुल सही है, पहुँचने वाले गाइस, चल के देखते हैं वहाँ का कैसा नज़ारा है और दिवाली में कैसा सजा रखा है। ऐसे तो बिल्डिंग सजी हुई है कुछ कुछ, सामने में देखो, सामने में देखो बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स सजा रखी है। पता नहीं चल रहा कि दिवाली है क्योंकि पटाखे बहुत ही कम होते हैं। गुड इनिशिएटिव,
इको फ्रेंडली नेशन। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, अब पहुंच के देखते हैं कैसे होता। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेंपल। ये ओमकारेश्वर देवालय है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे इस्कॉन टेंपल है। चलो अभी ऑटो पार्क किया जाए, उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस मंदिर के बाहर ये फूल माला और पूजा वाला, जो पूजा पूजा वाला या वाली पूजा वाली सामग्री, हाँ पूजा की सामग्री आप खरीद सकते हो। तो यही है। और अभी हम और बाकी जो दो लोग हैं वो लोग आ रहे हैं पीछे से, तो हम लोग को ज्वाइन कर लेंगे, तब तक हम लोग वेट करते हैं उनका। तो ये है इस्कॉन मंदिर, काफ़ी सजा रखा है। तो गाइस ये है श्री मुक्तेश्वर देवालय, इस्कॉन टेंपल के सामने ही है, आप यहाँ भी आ सकते हो। चलो ये लोग भी आ चुके हैं। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली ये भी मंदिर बंद हो गया और इस्कॉन टेंपल भी बंद हो गया। तो वहाँ पे एक बंदा बैठ के बांसुरी बजा रहा है बहुत टाइम से, काफ़ी अच्छा बजा रहा है वैसे, बजा तो काफ़ी अच्छा। बट एनी वेज गाइस क्या कर सकते हैं, थोड़ा लेट पहुँचे हम तो बंद हो चुका है मंदिर। अब चलो देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। तो गाइस हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि हम शायद बीच की ओर जा सकते हैं, ये रास्ता बीच की ओर जाता है, तो चलो फिर चला जाए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जुहू बीच, क्योंकि हम लोग जुहू में थे और मंदिर तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बंद हो चुका है। तो हम आ चुके हैं और यहाँ पर लोग मना रहे हैं दिवाली, इधर कुछ पटाखे जलाए जा रहे हैं एंड कुछ लोग बैठे हैं लाइन से, और इधर अपना अक्षय कुमार एंड ऋतिक रोशन का घर। तो यही है, जब कि हम लोग भी थोड़ी देर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे वापस अपने हॉस्टल। सब बीच पे पटाखे फोड़ रहे हैं तो हमें थोड़ा देख देख के चलना पड़ रहा है, और हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं खाने पीने। ये अपना नोवोटेल होटल, और ये अपना सुनील शेट्टी का फेमस रेस्टोरेंट द बॉन्क्स, जहाँ सबसे अच्छा खाना मिलता है। और यहाँ देखो, यहाँ एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है उधर से ऊपर से। तो हम लोग बीच पे हैं, आगे जा रहे हैं कुछ खाने पीने। तो चलो चलते हैं, बहुत दूर जाना है अपने को चल के। जितना उधर जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा भीड़ बढ़ते जा रही है। तो अभी हम लोग बीच पे चल रहे हैं, तो इसीलिए आप लोगों को इधर से पीछे साइड से दिखा पा रहा हूँ मैं। ये देखो फायरवर्क्स, फाइनली एक फायरवर्क तो रिकॉर्ड हुआ। तो चलो और कुछ होगा तो दिखाता हूँ। तो पहुँच गए हम चौपाटी, देखो कितनी भीड़ है यार। तो ये सब है, कुछ कुछ सामानें भी बिक रही हैं, तुम लोग ले सकते हो आके। हमेशा ऐसा जुहू पे ऐसे ही रहता है, मतलब इतना ही चकाचौंध रहेगा क्योंकि ये टूरिस्ट वाला बीच है। ये देख लो गड्ढा आ गया बीच में, इतना देर से चल रहे हैं और पहाड़ी चले अब। चलो देखो वहाँ स्टार्स भी आ रहे हैं, वो भी प्रोजेक्टर से, और कितने नज़दीक चल रहे हैं हम बीच के भाई। मेरे को तो पानी से डर लगता है, बट चलना आसान इधर ही है, और उधर बालू पे चलेंगे तो फिर लेट होगा। ऑलरेडी बहुत कार्डियो हो गया आजकल, चलो चलते कुछ खाते हैं। अपना टूरिस्ट स्पॉट आ रहा है जुहू का, यहाँ सब आते हैं सारे टूरिस्ट, देख लो कितना भीड़ है। पसीना पसीना हो गया। तो गाइज ये है पाव भाजी स्टोर जुहू का फेमस, जहाँ अमिताभ बच्चन आते हैं खुद खाने। देख लो गाइज ये है एक्चुअल, अगर ऑटो में बैठते हो गाड़ी में बैठते हो बोलते हो कि मेरे को जुहू भी खाना है, दिस इज द प्लेस वेयर यू एंड। तो यहाँ से रगड़ा पैटीज खा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं यू मिल जा खुद जैसा कर दे। तो चलो मैं खाता हूँ इसको, उसके बाद तुझसे जो दूर जाए बिन तेरे जीना पाए, क्या फिर खुदा और क्या ज़मीन बेबी। ये भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो गाइस अभी हम लोगों ने खा लिया और जुहू बीच से निकल रहे हैं पान खाने के लिए,
पान भी ट्राई करेंगे, इसके बाद निकलेंगे यहाँ से वापस हॉस्टल। तो ये लोग यहाँ पे यहाँ का फेमस पान वाले से पान खा रहे हैं और मैंने खा रहा क्योंकि मैंने खा गया। चलो अभी यहाँ से पान वाने लोग ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। सामने तू आशिका दे दिल सोनी है। मैंने भी ले ही लिया एक मीठा पान। तो अब मुझे ये बताओ कि इसको एक ही साथ आना इतना कैसे जाएगा भाई, ऐसा पार्ट पार्ट के फेंको और पूरा दबा जाओ तो मोड़ो। शाबाश, देखना नहीं है ना। ये शिल्पा शेट्टी का घर और इधर अमिताभ बच्चन का घर, देख लो कितना भीड़ है। ये लेंस देखो, यही है ये वाला ना, यहाँ पे बाहर मुंबई पुलिस दिखा है ना। ये पूरा टावर होता है वही रहता। ये है तुम्हारा रोहित शेट्टी का घर, ये शत्रुघ्न सिन्हा का घर। तू ही तो बारिश है मेरी। हम पहुंच चुके हैं अपने वापस जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो रास्ते में मैंने काफ़ी दिखाया एक्टर्स के जो घर आए, अमिताभ बच्चन एंड ऑल, और कुछ एक्टर्स के घर रह गए बताना, तो वो कभी वापस उधर जाना हुआ तो दिखा दूंगा। एनीवेज तो अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, रात के 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी भी पटाखों की आवाज़ आ ही रही है। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, आई होप कि आप सब ने भी बहुत मज़े किए होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तू बोल मैं तेरे को बता दे रहा हूँ। ठीक है बता क्या होता है। सो देयर इज दिस रेस्टोरेंट कलकत्ता क्लब जोशी वाड़ा, वेरी फेमस फॉर इट्स फिश एंड चिकन, चिकन शोशा एंड फिश शॉर्शो, लाइक वी कॉल इट पापड़ा और इलिश शॉर्शो। इट्स सुपर अमेजिंग एंड इट्स अ डेलिकेसी फॉर ऑल बंगाली पीपल अराउंड। और क्या बोलते हैं, और तुम मेरे को मतलब मैं बोलूँ वो देखते हैं।